वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद हलके का दौरा किया। इस दौरान लोगों ने जगह जगह वित्त मंत्री का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया और बुजुर्गों ने आशीर्वाद देकर कैप्टन अभिमन्यु को विश्वास दिलाया कि अब की बार नारनौंद हलके से हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पूर्व MLA राम भगत शर्मा पार्टी में शामिल हुए थे और आज समाज सेवी और कमांडेंट सुखबीर संधु आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर BJP में शामिल हो गए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के अभियान को मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने JGP पर हमला बोलते हुए कहा कि जमा झूठी पार्टी का कोई एक भी MLA हरियाणा में नहीं बनेगा और कांग्रेस पार्टी आज अपने को कुकर्मों से अपने बोझ के अंदर बिखर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में आज जनता के आशीर्वाद से आज एक बहुत बड़ी विजय की ओर अग्रसर है। जब से चुनाव अभियान प्रारंभ हुआ है, जहां एक और फिर एक बार मनोहर सरकार अब की बार 75 पार का नारा पूरे हरियाणा प्रदेश में गूंज रहा है, नारनौंद की जनता ने एक लक्ष्य लिया। अब की बार 50,000 के मार्जिन की जीत नारनौंद की जनता अपने विकास के लिए कमल के फूल के ऊपर करेगी। और उस अभियान में जब माननीय मुख्यमंत्री जी नारनौंद में आए थे नामांकन कराने के लिए, प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी पूर्व विधायक हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय किया और अनेक वरिष्ठ गणमान्य सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया, पार्टी को मजबूती दी। वहीं आज हमारे इस इलाके के बड़े समाजसेवी कमांडेंट सुखबीर संधु साहब, जो एक जाना पहचाना नाम है, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। इससे भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान को बहुत तीव्रता मिली है, बहुत तेजी मिली है, बहुत गति मिली है। तो आज मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ हरियाणा प्रदेश में 75 पार का लक्ष्य निश्चित तौर पर पार होगा और जमा झूठी पार्टी का तो एक भी MLA भी कहीं हरियाणा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी आज अपने कुकर्मों से अपने बोझ के नीचे आज टूट करके बिखर रही है।